नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्वाति। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में एक युवक की लाश पड़ी मिली है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवा दिया और मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान अशोक दाहिया उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम पोड़ी जिला सतना के रूप में हुई है। बताया गया है कि मृतक बस में खलासी का काम करता था। वहीं मौके पर सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी, सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा और अमहिया थाना प्रभारी अरविंद राठौर और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है। आपको बता दें, घटनास्थल पर पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं और ना ही मृतक के शरीर पर कोई चोट के निशान है। वहीं घटना के प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मृतक उनके पास पहुंचा और पानी मांगा। वहीं कुछ दूर जाने के बाद वह सड़क पर जा गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। माना जा रहा है कि मृतक किसी बीमारी का शिकार हुआ था। वहीं एक अन्य युवक ने बयान दिया है कि मृतक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है, साथ ही मृतक के परिजनों ने भी हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस बयान के आधार पर कार्यवाही कर रही है। मामले की वास्तविकता पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। आइए सुनते हैं थाना प्रभारी को, उन्होंने पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है। ट्रांसपोर्ट नगर में बॉडी मिली है, क्या घटना हुई है? सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कंट्रोल रूम के माध्यम से कि एक अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में ट्रांसपोर्ट नगर में यार्ड में पड़ा हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची, इसमें देखा गया कि एक व्यक्ति वहां मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। बाद में उसकी पहचान एक खलासी के रूप में है, जिसका नाम ब्रजेश दाहिया है। अभी प्रथम दृष्टया मृत्यु का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। बॉडी के पंचनामा उपरांत पोस्टमार्टम के लिए SCM में भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में हर एंगल से जांच की जा रही है, क्या इसकी मृत्यु किसी बीमारी के कारण हुई होगी या किसी मारपीट के कारण हुई होगी या क्या कारण रहे होंगे, इस संबंध में भी जांच की जा रही है।